इस दुनिया में कई लोग जो है वह अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे फैसले को ले लेते हैं कि बाद में उस फैसले पर उन्हें पछताना पड़ता है और वह उस फैसले को बदलने के लिए वह ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं कि वह रास्ता सीधे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे लेकर चला जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला जो अपने पति से खुश नहीं रह पाती तो वह उसी के दोस्त से वह कुछ ऐसा करने को कहती है जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। वहीं का रहने वाला सुनील ग्रोवर, जिसकी उम्र 55 साल थी, सुनील ग्रोवर की पत्नी श्वेता ग्रोवर, जिसकी उम्र 48 साल थी, सुनील ग्रोवर की इकलौती सुपुत्री थी अनुष्का ग्रोवर, जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती, उम्र 28 साल थी। जिस कॉलेज में अनुष्का पढ़ाई कर रही होती है उसी कॉलेज में एक और लड़का जो कि पढ़ रहा होता है जिसका नाम सुशील होता है, जिसे अनुष्का जो थी वह बेहद ही ज़्यादा प्यार करती है। अनुष्का और सुशील दोनों घूमना फिरना, फिल्में देखना, लॉन्ग टूर पर जाना, होटलों में जाकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, ये जो था वह उस कॉलेज के टाइम पर उन दोनों के लिए नॉर्मल ही था। जब कॉलेज का दिन समाप्त होता है, जो सुनील ग्रोवर होते हैं वह अपनी बेटी अनुष्का को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तो जो हूँ तो वह तुम्हारी शादी उसे करा दूंगा। जो अनुष्का थी जैसे ही अपने पिता के मुंह से इस शब्द को सुनती है वह कहती है कि पिताजी, मुझे जो है वह सुशील नाम का एक लड़का है जिसे मैं बेहद ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे इस बात को सुनील ग्रोवर सुनते हैं वह कहते हैं कि क्या वह पैसे वाला है या फिर ऐसे ही कोई लड़का है, जो अगर तुम पैसे वाले लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वह सेटल हो जाएगी। जो अनुष्का थी इस बात को सुनती है वह कुछ सोचती है और कहती है कि उसके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, वह एक नॉर्मल फैमिली से है, मिडिल क्लास का लड़का है। जो सुनील ग्रोवर होते हैं वह कहते हैं कि बेटी, अगर मिडिल क्लास में तुम चली जाओगी और हमारी जो हाई फाई की ज़िंदगी है क्या तुम वहाँ पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लोगी। जो अनुष्का थी कुछ देर सोचने के बाद वह कहती है कि आपका क्या राय है, आप ही बता दो। अनुष्का के पिता सुनील ग्रोवर कहते हैं कि मेरे नज़र में एक लड़का है जो कि अच्छे खासे पैसे वाला है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नाम है अनिल। जैसे ही इस बात को अनुष्का सुनती है वह कहती है, क्या आपके पास उस लड़के की तस्वीर है, अगर वह मुझे पसंद आ जाएगा तो मैं जो हूँ वह सुशील को छोड़ दूंगी। इस बात को सुनते ही जो सुनील ग्रोवर होते हैं वह तुरंत अपने दोस्त के यहाँ कॉल करते हैं और अनिल के फ़ोटो को मंगवाते हैं और अनुष्का को दिखाते हैं। जो अनुष्का थी वह जैसे ही उस तस्वीर को देखती है वह अनिल को पसंद कर लेती है और कहती है, ठीक है आप जो है वह मेरी शादी फिक्स कर दो। जैसे ही इस बात को सुनील ग्रोवर सुनते हैं वह तुरंत अपने दोस्त के पास कॉल करते हैं, अपने बिचौलिए के पास, और कहते हैं कि अनिल से शादी जो है वह उनकी बेटी शादी करने को तैयार हो चुकी है, शादी का दिन जो है वह तय कर लेनी चाहिए और कहाँ शादी करनी है, सारी चीज़ें तय करने के बाद मुझे जो है वह कॉल कर बता दो। जो बिचौलिया होता है वह तुरंत फ़ोन को रखता है और करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद वह बिचौलिया वापस सुनील ग्रोवर के पास कॉल करता है और कहता है कि अगले महीने के 10 तारीख का शुभ मुहूर्त है, क्यों ना अनुष्का और अनिल की शादी करा दी जाए। जो सुनील ग्रोवर थे इस बात को सुनते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, सारा प्रोग्राम जो है वह होटल में ही किया जाएगा, तो कुछ जल्दबाजी में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आज से ही शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो अनुष्का थी वह अपने सहेलियों के साथ शॉपिंग करना शुरू कर देती है। उसी बीच में जो सुशील था वह अनुष्का से मिलने के लिए पहुंचता है। जो ऐसे ही अनुष्का सुशील को देखती है वह अपने आंखों को छिपाने लगती है, अपने चेहरे को छिपाने लगती है। सुशील जो था वह अनुष्का के पास पहुंचता है और कहता है कि अनुष्का, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी जो कि लग चुकी है और तुम्हारी शादी होने वाली है। जो अनुष्का थी वह कहती है कि हाँ, उसके पिता ने शादी जो है वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लड़के से शादी फिक्स कर दी है। जो सुशील था वह कहता है कि मेरे प्यार में कोई कमी थी क्या जो कि मुझसे शादी न कर कर तुम किसी और लड़के से शादी कर रही हो। जैसे इस बात को अनुष्का सुनती है वह कहती है कि जो तुम हो वह मिडिल क्लास के लड़के हो और जो वह लड़का है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छे खासे पैसे कमाता है और बहुत सारी मुंबई में प्रॉपर्टी है और उसके माता पिता जो है वह विदेश में रहा करते हैं। इस बात को सुनते ही जो सुशील था वह कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम जो है वह पैसों के पीछे जा रही हो, बाद में जो है वह कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार
कॉल कर देना, सब दिन मेरा नंबर जो है वह यही रहेगा। इस बात को कहते हुए जो सुशील था वह मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले महीने होते ही अनुष्का और अनिल की शादी धूमधाम से करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो अनुष्का थी वह अपने पति के घर पर पहुँचती है, स्वागत वाले रूम में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। जो अनिल था वह अपनी पत्नी के कमरे में पहुँचता है, जो अनुष्का थी वह वहीं पे दूध पड़े गिलास को अनिल की तरफ बढ़ाती है। जो अनिल था वह हल्के से दूध को गिलास को पीता है और अपनी पत्नी को पूरा दूध पीने को कहता है। जो अनुष्का थी वह दूध को पी लेती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जो अनिल था वह भूखे भेड़िए की तरह अनुष्का से प्यार करना शुरू कर देता है, संबंध बनाना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे होते हैं। जो अनुष्का थी वह अपने घर का काम काज को करना शुरू कर देती है। जो अनिल था वह देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह घर में झाड़ू पोछा कर रही है। इस चीज को देखते ही जो अनिल था वह कहता है कि कल से यहाँ पर मेड एक आएगी, वही घर के सारे काम काज को किया करेगी, तुम जो है वह कोई काम नहीं करोगी। जो अनुष्का थी इस बात को सुनती है वह अपने पति को देख कर मुस्कुराना शुरू कर देती है। दिन बीतते हैं, समय बीतता है धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा होता है जो अनिल था वह अपने काम को लेकर काफ़ी चिंता में रहा करता था। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो अनुष्का थी वह अपने बेड पर बैठकर इंतजार कर रही होती है अपने पति का। तभी रात के 10 बजे अनिल जो था वह घर पर पहुँचता है। जो अनुष्का थी वह अपने पति अनिल को खाना पीना खिलाती है। खाना पीना खा लेने के बाद अनिल जो था वह अपने लैपटॉप को निकालता है और बेड पर जाकर वह अपना काम करना शुरू कर देता है। जो अनुष्का थी वह अनिल से प्यार करने की कोशिश करने लगती है। जो अनिल था वह कहता है कि वह अभी जो है वह काफ़ी थका हुआ है और काम का बोझ जो है वह काफ़ी ज़्यादा है, वह अभी प्यार नहीं कर सकता और उसका मूड जो है वह ठीक नहीं है। इतना कहते ही जो अनुष्का थी वह मायूस हो जाती है। वह फिर भी अपने पति से प्यार करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी बीच में जो अनिल था वह गुस्से में हो जाता है और अनुष्का को 2-4 डांट लगा देता है, जिस कारण अनुष्का जो थी वह वहीं पर मुंह को साइड करती है और वह अपने कमल को ओढ़कर वह सो जाती है। अगले दिन होते ही जो अनुष्का थी वह ऐसे ही बाहर निकलती है। उसकी जो मेड नौकरानी थी वह कहती है कि मैडम मुझसे जो है वह कुछ काम है, आप जो है वह मुझे क्या कुछ पैसे एडवांस में दे सकते हो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, पैसों की आवश्यकता है। जो अनुष्का थी इस बात को सुनती है तो वह कहती है कि पिछले महीने तो तुमने अपने पति के इलाज के लिए पैसे एडवांस में लिए हैं और फिर मैं तुम्हें इस पैसे को क्यों दूँ। जो वह मेड थी वह कहती है कि उनकी बेटी की शादी है, अगर वह कुछ पैसों की मदद कर दे तो उनकी बेटी की शादी जो है वह धूमधाम से वह करेगी। जो अनुष्का थी वह कहती है कि वह 1 रुपये भी नहीं देगी, जो वह पिछले बार ही वह बहुत सारे पैसे ले चुकी है एडवांस में, जब तक वो पूरे सटेंगे नहीं तब तक वह 1 रुपये एडवांस में अब नहीं देगी। इतना कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो अनिल था वह घर पर पहुँचता है। जो अनुष्का थी वह फिर से अपने पति के पास पहुँचती है और उसे प्यार करने की कोशिश करने लगती है। फिर जो अनिल था वह कहता है कि उसका जो मूड है वह ठीक नहीं है, ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुआ, इस कारण से आज वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। इतना कहते हुए जो अनिल था वह अपने कमरे में जाता है और वह सो जाता है। जो अनुष्का थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बीत रहे थे जो उसका पति अनिल था वह उसे दूर होता जा रहा होता, उसे टाइम नहीं दे रहा होता है। अनुष्का को अब लगने लगा था कि उसे इस घर में अब अकेलापन महसूस होने लगा है, जिस कारण से वह इस शादी की थी पैसे को देखकर। आज जो है वह उसके पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन पति का प्यार जो है वह उसे नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अनुष्का जो थी वह अपने पति से प्यार मांग रही थी, कोशिश कर रही होती कि वह उसे प्यार करे, लेकिन अनिल जो था वह काम में इतना बिजी हो चुका था, अपनी ज़िंदगी को वह भूल चुका था, अपनी पत्नी को वह भूल चुका था, हमेशा काम 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 कर रहा होता है, जिस कारण अनुष्का जो थी वह अब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह अब करे तो करे क्या। ऐसे ही एक दिन के शाम के 4 बज रहे होते हैं। जो अनुष्का थी वह बरामदे में बैठकर चाय को पी रही होती है। जो घर की नौकरानी थी वह किचन में खाने को बना रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी जो थी वह बजना शुरू हो जाती है। अनुष्का उठती है और दरवाजे को जैसे ही खोलती है तो वह देखती है कि सुशील जो है वह दरवाजे पर खड़ा है। सुशील को देखते ही
जो अनुष्का थी वह पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुशील था वह अनुष्का को देखकर वह भी चौंक जाता है, वह भी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो अनुष्का थी वह कहती है कि ये मेरा घर है, मेरे पति का यहाँ ये घर है। इस बात को सुनते ही जो सुशील था वह कहता है कि क्या ये अनिल का घर है। तो जो अनुष्का थी वह कहती है हाँ अनिल उसका पति है। तो सुशील कहता है कि वह मेरा जिगरी दोस्त है। इस बात को सुनते ही जो अनुष्का थी वह सुशील को अंदर बुलाती है और अपने मेड को आवाज़ लगाती है कि एक कप और चाय बना दो, जो कि मेरा पुराना दोस्त आया हुआ है। इस बात को सुनते ही जो मेड थी वह तुरंत चाय को गर्म करती है और लेकर चली आती है। करीब आधे से एक घंटे बात दोनों में होती रहती है। जो अनुष्का थी वह पूछती है कि अचानक तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। जो सुशील था वह कहता है कि जो अनिल है वह एक फाइल को मंगाया है, वह फाइल दे देगी तो वह फिर से वापस ऑफिस में चला जाएगा। इस बात को सुनते ही जो अनुष्का थी वह कहती है कि मुझे एक मिनट टाइम दो, और वहाँ से उठती है और वह सीधे वह अपने कमरे में चली जाती है। करीब 5 से 10 मिनट हो जाने के बाद अनुष्का अपने कमरे से फाइल को लेकर पहुँचती है और सुशील को देते हुए कहती है कि मैं जो हूँ वह तुम्हें छोड़कर आज जो है वह बहुत पछता रही हूँ, मुझे जो है वह तुम्हें से शादी करनी चाहिए थी। जो सुशील था वह कहता है कि तुम तो पैसे के पीछे थी और जो है आज तुम जो है वह अनिल से शादी कर चुकी हो और तुम्हें पछतावा किस बात का है। अनिल जो है वह काफ़ी हैंडसम भी है, तुम्हें प्यार भी करता है। इस बात को सुनते ही जो अनुष्का थी वह कहती है कि पैसों से पेट नहीं भरता है, उसे प्यार चाहिए, लेकिन उसके पति के पास उसके लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं है। जब भी वह घर पर आता है वह हमेशा कहता है कि वह थका हुआ है, वह हर वक्त काम 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 करता हुआ रहता है। जो सुशील था वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम जो है वह कॉल कर बुला लेना। इतना कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, समय बीतता है और शादी का सालगिरह आ जाता है। शादी के आज सालगिरह के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो अनुष्का थी वह अपने मेड के पास पहुंचती है और कहती है कि आज उसका शादी का सालगिरह है, जो आज वह हाफ टाइम में ही वह अपने घर चली जाए। जो रात का खाना जो है वह अनिल के साथ वह होटल में खाएगी। जो मेड थी वह कहती है कि ठीक है मैम आप जैसा कहो, और वह इतना कहकर घर के काम काज को जल्दी से समटाने में लग जाती है। दिन के करीब 1:30 बजते हैं। जो मेड होती है वह वहाँ से घर से जाने लगती है। जो अनुष्का थी वह बरांडे में बैठकर अपने मोबाइल को देख रही होती है। जो मेड थी वह कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप जो है वह मुझे कॉल करके देना, मैं तुरंत यहाँ पर पहुँच जाऊँगी। इतना कहते हुए जो मेड थी वह घर से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, शाम होती है, शाम से रात होती है, लेकिन अनिल जो था वह घर पर नहीं पहुँचता है और अनुष्का घर पर अपने पति अनिल का इंतज़ार करती हुई रहती है। रात के करीब 9 बजते हैं। जो अनुष्का थी वह बरांडे में बैठकर अभी भी अपने पति अनिल का इंतज़ार कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। अनुष्का बेहद ही खुशी से दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजे को जैसे ही खोलती है तो वह देखती है कि सुशील जो है वह दरवाजे पर खड़ा है। सुशील को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है और सुशील जो था वह घर के अंदर एंट्री करता है और अनुष्का के हाथों में एक गिफ्ट को देते हुए कहता है कि अनिल जो है वह आज रात यहाँ पर नहीं आ पाएगा, जो वह गिफ्ट भेजा है। इतना कहते हुए जो सुशील था वह गिफ्ट को अनुष्का को देता है। अनुष्का जो थी वह गिफ्ट को लेकर वह गिफ्ट को फेंक देती है और कहती है जब उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आज उसका शादी का सालगिरह है, फिर भी वह मुझे छोड़ के वह अपने काम में लगा हुआ है। जो सुशील था वह कहता है कि क्या कर सकती हो, तुम्हारा फैसला ही उस वक्त ऐसा था कि आज जो है वह तुम्हें पछताना ही होगा। अनुष्का को रोते हुए सुशील देखता है तो वह आश्वासन देता है और आश्वासन देने के बाद सुशील जो था वह वहाँ से जाने लगता है। तभी अनुष्का जो थी वह सुशील के हाथों को पकड़ती है और कहती है कि अभी भी वह उसे प्यार करती है, आज जो है वह यहाँ से न जाए, उसे उसकी ज़रूरत है। इतना कहते हुए वह सुशील के हाथों को पकड़कर वह अपने कमरे में लेकर चली जाती है और वह सुशील से प्यार करना शुरू कर देती है। जो सुशील था वह भूखे भेड़िए की तरह संबंध बनाना शुरू कर देता है। उस रात जो था वह दोनों मिलकर पूरी रात एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। अगली सुबह होते ही जो घर की जो मेड थी वह घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर में काफ़ी सुनसान है। वह अंदर आती है और झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू लगाते लगाते वह जब अनुष्का के कमरे में पहुँचती है तो अचानक
सुशील और अनुष्का को देखती है, वह चौक से जाती है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। झाड़ू जैसे ही उसके हाथों से गिरता है, अनुष्का की आंखें खुल जाती है। वह दोनों जो थे वह उठ कर बैठ जाते हैं। जो दोनों थे अनुष्का और सुशील, दोनों अपनी मेड की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जो मेड थी वह तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और किचन में चली जाती है। जो अनुष्का थी वह कपड़े को पहनकर बाहर निकलती है और तुरंत वह अपनी मेड को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम जो देखी हो उसे तुम भूल जाओ और तुम्हारी बेटी के लिए जितने पैसे की शादी में आवश्यकता पड़ेगी सारे पैसे जो है मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन ये बातें जो है वह उसके पति अनिल को न बताए। इस बात को सुनते ही जो मेड थी वह कहती है कि नहीं मैम, वह किसी से ये बात जो है वह नहीं बताएगी। वह जीत देखी वह सारा चीज़ वह भूल जाएगी। जो अनुष्का थी वह कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हारी पैसे घर में जो कितने पैसों की आवश्यकता है वह मुझे बता दो। जो मेड थी वह कहती है कि वह अगर 50,000 रुपये दे देगी तो उसकी बेटी की जो शादी है वह धूमधाम से वह कर देगी। जैसे इस बात को अनुष्का सुनती है वह तुरंत अपने कमरे में पहुंचती है। ये अलमारी से 1,00,000 रुपये लेकर बाहर आती है और वह अपनी मेड की तरफ देने लगती है। जो मेड थी वह नौकरानी वह पैसे को लेने से मना करती है और कहती है उसे सिर्फ 50,000 रुपये दे दे। और धीरे धीरे उसकी तनख्वाह से सारे पैसे जो है वह एडवांस के रूप में वह काटती रहे। जो वह सुशील था वह तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था। वह कहता है कि इस पैसे को ले लो और हम दोनों की जो बातें हैं वह किसी से मत कहना। इस बात को सुनते ही जो मेड थी वह उन पैसों को ले लेती है और वह किचन में खाना बनाने के लिए जाने लगती है। तभी अनुष्का जो थी वह कहती है कि अब तो तुम पैसे ले चुकी हो, अब जो है वह यहाँ से चली जाओ और यहाँ पर दोबारा कल से काम पर नहीं आना। जो मेड थी वह कहती है, मैम ये आप क्या कर रहे हो। जो सुशील था वह कहता है कि हाँ, तुम जो है वह साल भर अगर मेहनत करोगी तब जाकर तुम्हें जो है वह 1,00,000 रुपये कमा पाओगी। इस बात को सुनते ही वह मेड जीती थी वह वहाँ से चली जाती है। जो अनुष्का थी वह सुशील की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे तो लगा कि जो मेड है वह आसानी से तैयार नहीं होगी, लेकिन वह आसानी से मान चुकी है और वहाँ से चली जा चुकी है। मेड को जाते ही ये सिलसिला जो था वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। अनिल जो था वह जब भी अपने ऑफिस जाता वह तुरंत सुशील को कॉल कर दिया करती है और अपने घर पर बुलाकर उसे प्यार करना संबंध बनाना शुरू कर देती। एक दिन के दोपहर के 1 बज रहे होते हैं। जो अनुष्का थी वह सुशील के साथ अपने कमरे में बैठकर वह दोनों बात कर रहे होते। उसी दौरान जो अनुष्का थी वह सुशील से कहती है कि सुशील तुम ऐसा क्यों नहीं करो, जो अनिल को इस दुनिया से अलविदा कर दो, जो सारी प्रॉपर्टी जो है वह तुम्हारी हो जाएगी, मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी। इस बात को सुनते ही जो सुशील था वह कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, ये कैसे हो सकता है। जो अनुष्का थी वह कहती है उसके पास एक रास्ता है, जो क्यों ना अनिल को जब घर में वह आएगा वह मैं उसे अपने कमरे में लेकर चली आऊँगी और उसके जो पीने के जो ड्रिंक होगा उसमें कुछ मैं मिला दूँगी, तुम जो है वह उसे दुनिया से अलविदा कर देना। जो सुशील था वह इस बात को सुनता है, वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करती हो और प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाती हो तो मैं करने को तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। जो दोनों थे एक दूसरे के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं और उसी रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। जो अनिल था वह घर पर पहुँचता है और अनुष्का जो थी वह अपने पति से बेहद ही प्रेम से बातचीत करती है और खाना पीना खिला देने के बाद वह अपने पति को अपने कमरे में ले जाती है और एक गिलास दूध को देती है और कहती है कि दूध के गिलास को वह पी ले, वह काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। इस बात को सुनते ही जो अनिल था वह उस दूध के गिलास को पी लेता है। तभी जो सुशील था वह पीछे से एक डंडे को लेकर आता है और अनिल के सर पर दे मारता है, जिस कारण अनिल जो था वह वहीं पर गिर जाता है और वह जो सुशील था वह 2-3 बार उसके ऊपर वार करता हुआ जा रहा होता है, जिसके कारण अनिल जो था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो अनुष्का और सुशील दोनों होते हैं वह देखते हैं कि अनिल जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। तो अनुष्का कहती है कि तुम जो है वह यहाँ से चले जाओ, अब मैं जो हूँ वह पुलिस के पास कॉल करती हूँ और उन्हें कहूँगी कि घर में चोर घुस गया था जिसके कारण उसे हाथापाई हुई और अनिल जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। इतना सुनते ही जो सुशील था वह वहाँ से चला जाता है। अनुष्का तुरंत वहीं के पास के थाने में कॉल करती है। पुलिस जो थी वह तुरंत वह घर पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस जो थी वह घर की सारे जांच को करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि घर में कोई ऐसा सामान जो है
वह सारा सामान जो है एक सही तरीके से रखा हुआ है, कोई ऐसा सामान जो है इधर उधर नहीं हुआ है। पुलिस को अनुष्का के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन वह शक की बुनियाद पर अनुष्का को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इस कारण से वह सारे आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसी बीच में कई पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसके घर पर एक व्यक्ति जो है वह हर दम आया करता है, और जब से वह व्यक्ति उस घर में आने लगा है, मेड जो है वह घर के कामकाज को जो कर रही थी वह कामकाज को करना बंद कर दी है। पुलिस तुरंत उस मेड के बारे में पता करती है और उस मेड को थाने में बुलाती है और उसे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि अनुष्का का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है जिसका नाम सुशील है। पुलिस जो थी वह तुरंत उस सुशील और अनुष्का को दोनों को थाने में बुलाती है और दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। काफ़ी देर पूछताछ करने पर जो अनुष्का और सुशील थे वह दोनों कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहे थे, वह बार बार बरगलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस के काफ़ी दबाव देने के बाद जो अनुष्का थी और सुशील दोनों सारी बातों को कबूलना शुरू कर देते हैं और सारी कहानी को जब सुनाते हैं तो पुलिस के पैर तले भी जमीन खिसक जाती है और वह कहते हैं कि तुम्हें अगर सुशील से प्यार था तो आखिर तुमने अनिल से शादी क्यों की। जो अनुष्का थी वह कहती है कि वह पैसे और आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन जो अनिल था वह उसे प्यार नहीं दे रहा था, उसके पास उसके लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं था, इसलिए वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह अपने कॉलेज के प्रेमी को अपने घर पर बुलाने लगी जिसका नाम सुशील है। इस बात को सुनते ही पुलिस जो थी वह उन दोनों के बयानों को पुलिस नोट करती है और दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? ये क्या अनुष्का के पिता सुनील ग्रोवर की गलती थी कि जब वह अपनी बेटी से पूछे कि वह किससे शादी करना चाहती है तो वह सुशील का नाम ली, लेकिन उसके पिता जो है वह मना कर दिए और कहें कि उसके पास पैसे नहीं है तो तुम शादी उसे नहीं करो, या फिर अनिल की गलती थी कि वह काम में इतना बिजी हो चुका था कि अपनी पत्नी के लिए उसके पास समय नहीं था, या फिर सुशील की गलती थी कि वह जान रहा होता है कि उसके वह दोस्त की पत्नी है फिर भी वह उसके साथ संबंध बनाया। आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।